श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। दोस्तों, पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों गुरुजनों को देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। युद्ध में अपने कुल के नाश का डर अर्जुन को सताने लगा। शोक संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब श्री भगवान उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भागवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ है और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान यहां अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, जबकि अब युद्ध शुरू होने वाला है, ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुम्हारे अंदर ऐसा मोह कहां से आ गया है? इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में मैं यह उचित नहीं जान पड़ती है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे भगवन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना कल्याणकारक समझता हूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इसमें अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है। उनको मारकर भी क्या मिलेगा? न तो मुक्ति मिलेगी और न ही धर्म की सिद्धि होगी। केवल इस लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेगा, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। हत्या के फलस्वरूप मेरे हाथ उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। इसलिए ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इसमें अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि युद्ध में विजय पा लेने पर ज्यादा से ज्यादा मैं इस पृथ्वी पर राज्य प्राप्त कर लूंगा, परंतु यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी वह मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर, फिर श्री गोविंद भगवान से कहकर कि युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गए। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं
उनके लिए भी ज्ञानी जन शोक नहीं करते हैं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इसमें श्री भगवान के कहने का भाव है कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और बुढ़ापा, ये अवस्थाएं आत्मा की नहीं होती है, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। इसलिए इस तत्व को नहीं जानने वाले अज्ञानी जन ही मरने वाले का शोक करते हैं, धीर पुरुष ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तो उनको सहन कर। इसमें श्री भगवान के कहने का भाव है कि सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब इंद्रियों के विकार है, इसलिए उसे क्षणभंगुर और अनित्य समझ और शोक मत कर, क्योंकि हे पुरुष, श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी दुख आने पर हम दुखी हो जाते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष जानता है कि अगर दुख घर में प्रवेश किया है तो सुख भी जरूर दरवाजे पर ही खड़ा होगा। इसलिए जो मनुष्य किसी भी विषम परिस्थिति से व्याकुल नहीं होता, वैसा ज्ञानी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। असत वस्तुओं की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का भाव है कि असत अर्थात शरीर इंद्रिय की कोई सत्ता यानी भाव नहीं है, इसलिए अपने स्वजनों के शरीर की नाश की आशंका से शोक करना अनुचित है। सत का भाव यहां परमात्मा से है। परमात्मा सर्वव्यापी है, अखंड और निर्विकार है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से अपने स्वजनों के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, परमात्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता, इसीलिए परमात्मा ही सत है। उस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यहां श्री कृष्ण का भाव है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो युद्ध करने में शोक का कोई कारण ही नहीं है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यहां भगवान का भाव है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं, इसलिए मरने वाला स्थूल शरीर है। इसी तरह स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं, इसलिए मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं है। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी
यह नहीं मारा जाता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? यहां श्री भगवान का भाव है कि स्थूल शरीर द्वारा किसी को मारना या मरवाना यह आत्मा का काम नहीं है, इसलिए किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात आत्मा मन का भी विषय नहीं है। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यहां श्री भगवान का भाव है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जो महापुरुष परमात्मा को जानने वाले हैं, जो संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता है, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी आस्तिक पुरुष भी कोई विरला होता है और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति होता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही आबादियां हैं, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग अनंत काल तक तेरी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे और माननीय पौरुष के लिए अपकीर्ति मारण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानकर तुम्हें डरपोक समझेंगे। तेरे वैरी लोग अर्थात तुम्हारे शत्रुगण तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। हार जीत, लाभ हानि और सुख दुखों को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई
और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि को जानकर तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यहां श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म योग का कभी नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में पुनः साधन में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता है और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि या निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो, वहां कई बुद्धियां काम करती है। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जिसके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल या लाभ की बात करते हैं, तो वह कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग सिर्फ दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, वह ढोंगी होते हैं। वह कहते बहुत कुछ है लेकिन करते बहुत कम है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। यहां श्री भगवान कहते हैं, वेद भी सिर्फ तीन गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्म योग। श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो, लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू काम ही मत कर। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और सिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर। तुमको कर्म योगी बनने के लिए संभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। स्काम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसीलिए तू समत्व रूपी योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि संबुद्धि से युक्त
ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सोने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अनुभव को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरा ध्यान करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से उस पुरुष का पतन हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन का पथ है, अर्थात ब्रह्मा की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब भी वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ है।